बर्ड्स फैमिली। ये कहानी एक पक्षीपुर नामक जंगल की है, जहाँ तीन दोस्त रहा करते थे। एक थी मीनू चिड़िया, दूसरा बिरजू तोता और तीसरा था एक प्यारा सा कबूतर। उन तीनों की दोस्ती आपस में बहुत ही ज्यादा गहरी थी। तीनों ही आपस में एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे और एक दूसरे की बहुत फिक्र करते थे। मीनू चिड़िया अपने घर में अपने छोटे दो बच्चों के साथ रहा करती थी, जो कि अभी बहुत ज़्यादा छोटे और प्यारे थे। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब मौसम के बदलने के कारण जंगल में काफ़ी ठंड शुरू हो गई और इसके रहते ही मीनू चिड़िया काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ गई। मीनू चिड़िया की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि वह घर से बाहर भी नहीं निकल सकती थी, और अगर घर से वे बाहर नहीं निकलती तो उसके छोटे छोटे बच्चों के लिए दाना ढूंढकर कौन लाता। ये सारी बातें सोच सोच कर मीनू चिड़िया को काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है। अरे, ऐसे बीमार होकर तो मैं बेबस ही हो गई हूँ। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए दाना भी ढूंढकर नहीं ला सकती, अब मेरी मदद कौन करेगा। वहीं दूसरी तरफ तोते और कबूतर को मीनू चिड़िया की फिक्र सताने लगती है और वे दोनों सोच रहे होते हैं कि ऐसी क्या बात हो गई जो मीनू चिड़िया काफी समय से उन दोनों से नहीं मिली। अरे कबूतर, जरा मुझे एक बात तो बताओ, क्या पिछले एक हफ्ते से मीनू चिड़िया तुमसे मिलने आई है? अरे नहीं नहीं बिरजू, मैं तो उल्टा तुमसे खुद ये बात पूछने वाला था कि तुमने मीनू चिड़िया को कहीं देखा है क्या? पता नहीं वे कहाँ गुम है, और मुझसे तो मिलने बिल्कुल नहीं आई। मुझे उसकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। अरे हाँ कबूतर, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मीनू चिड़िया की फिक्र तो मुझे भी हो रही है, कहीं वे किसी मुसीबत में ना हो, हमें उसके घर जाके देखना चाहिए। अरे हाँ बिरजू, तुमने ठीक कहा, चलो हम चलते हैं। ऐसा सोचकर बिरजू तोता और कबूतर दोनों मिलकर मीनू चिड़िया के घर पर पहुंच जाते हैं। घर पे पहुंचने के बाद वे दोनों मीनू चिड़िया को ऐसे बीमार और बेबस देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वे मीनू चिड़िया से कहने लगते हैं। अरे मीनू चिड़िया, ये क्या लापरवाही है? तुम इतनी ज्यादा बीमार हो और तुमने हमें बताना भी मुनासिब नहीं समझा, क्या तुम हमारी कुछ नहीं लगती? अरे हाँ मीनू, ये बहुत ज्यादा गलत बात है। अरे आप दोनों सुनिए तो, आप दोनों तो एकदम से मुझ पर राशन लेकर चढ़ गए। जरा मेरी बात तो सुनिए, मैं तो इतनी ज्यादा बीमार हूँ कि मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती, और तो और मैं अपने बच्चों के लिए दाना लेने भी बाहर नहीं गई हूँ। इसी कारण मेरे दोनों बच्चे कब से भूखे बैठे हैं। तो फिर मैं आप दोनों को बताने के लिए घर से बाहर कैसे आती? मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ। मीनू चिड़िया की ऐसी हालत देखकर उन दोनों को बहुत अफसोस होता है और वे मीनू चिड़िया से कहते हैं। अरे मीनू चिड़िया, तुम बिल्कुल उदास मत हो, हम है ना तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे साथ, तुम्हारी मुश्किल में तुम्हारा साथ देंगे। मैंने और कबूतर ने कुछ दाने जमा कर रखे हुए हैं, वे मैं अभी लेकर आता हूँ और तुम्हारे बच्चों को खिला देता हूँ। अरे वाह तोते भैया, अगर ऐसा हो गया तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। फिर कबूतर और बिरजू तोता दोनों मिलकर उस गुप्त जगह पर आते हैं जहाँ उन दोनों ने भोजन छुपाकर रखा हुआ था। परंतु ये क्या, उनका जमा किया हुआ सारा भोजन तो वहाँ से गायब हो चुका था। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि उनका इतना सारा भोजन आखिर किसने चुरा लिया। अरे ये क्या हो गया, हमारा इतना सारा भोजन किसने चुरा लिया? हमारी बरसों की मेहनत पे किसी ने पानी फेर दिया है। अरे हाँ बिरजू, लेकिन एक बात सोचने की है, ये जगह तो बहुत ज्यादा गुप्त है और ये जगह सिर्फ हमें ही पता थी, तो फिर यहाँ से भोजन निकाला किसने? और अब ये सोचो कि हम मीनू चिड़िया के बच्चों को अब क्या खिलाएंगे। अरे हाँ कबूतर, मैं कब से यही सोच रहा हूँ, और ये सोच सोच कर ही तो मेरी हालत पतली हो रही है। अरे अब हम कुछ नहीं कर सकते, बस अब एक ही हल है। मेरे घोंसले में मैंने कुछ दाना अपने लिए छुपा कर रखा हुआ था, अब वही हम मीनू चिड़िया के बच्चों को जाकर खिला देंगे। तुम ठीक कह रहे हो कबूतर, हमें अब ऐसा ही कुछ करना होगा। ये बातें करने के बाद कबूतर और तोता वहाँ से चले जाते हैं और वहीं कोने में छुपा एक कालू कौवा उनकी सारी बातें सुन रहा था। हा, अरे जमा करते रहो बहुत सारा भोजन,
मैं तुम्हारा भोजन ऐसे ही चुराता रहूंगा। कर लो जितनी मेहनत करनी है। कबूतर और बिरजू तोते दोनों ने मिलकर मीनू चिड़िया के बच्चों के लिए कुछ दाने जमा कर लिए थे और वे उन दोनों को लाकर खिला दिए, जिसे देखकर मीनू चिड़िया भी काफी ज्यादा खुश हो गई कि उसके बच्चों का पेट अब भर चुका है। परंतु कबूतर और बिरजू तोते का मुंह तो लटका हुआ था, क्योंकि उनके सारे के सारे दाने चोरी हो चुके थे। ये देखकर मीनू चिड़िया कहती है, अरे क्या हो गया, मैं तुम दोनों को कब से देख रही हूँ, तुम दोनों मुझे परेशान लग रहे हो, जरा बताओ मुझे। अरे मीनू चिड़िया, हमने एक गुप्त जगह पर बहुत सारा भोजन जमा किया हुआ था, परंतु अभी जब हमने जाकर देखा तो वहाँ से सारा का सारा भोजन किसी ने चोरी कर लिया था। अरे मीनू चिड़िया, हमारी सारी की सारी मेहनत पर अब पानी फिर चुका है। अरे मीनू चिड़िया, मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है, देखा ना, तुम ही बीमार हो गई। ऐसे में हम ज्यादा घर से बाहर नहीं निकल सकते, और अगर हम घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर दाना कैसे ढूंढेंगे। हमने इसी वक्त के लिए वे भोजन जमा करके रखा हुआ था, परंतु वे तो अब चोरी हो गया। अरे बिरजू, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, देखना सब कुछ अच्छा होगा। सुबह होते ही हम तीनों मिलकर उल्लू के पास जाएंगे, आखिर वे पूरी रात पहरा देता है, और उसके पहरा देने के बावजूद इस जंगल में चोरियां हो रही हैं। अरे हाँ मीनू चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हम ऐसा ही करेंगे। कल सुबह होते ही हम तीनों मिलकर उल्लू के पास चले जाएंगे। बिरजू तोते और कबूतर को मीनू चिड़िया का दिया हुआ सुझाव काफी ज्यादा पसंद आता है। फिर कुछ ही देर में रात हो जाती है और वे कौवा अपने घर में बैठा हुआ होता है, तभी उसे ख्याल आता है, अरे रात हो गई है और मेरे काम का वक्त अब शुरू हो चुका है, चलो जल्दी से बाहर जाता हूँ और कुछ भोजन चुरा लेता हूँ और फिर वापस अपने घर में आ जाऊंगा। ऐसा सोचकर वे कालू कौवा भोजन चुराने के लिए अपने छोटे छोटे दो बच्चों को छोड़कर घर से बाहर चला जाता है। कौवे के जाने के कुछ ही देर बाद एक बड़े से पहाड़ पर एक बड़ा और विशाल सा पत्थर लुढ़कता हुआ कालू कौवे के घर की तरफ आ रहा होता है। कुछ ही समय में वे विशाल पत्थर कालू कौवे के घर पर आके गिर जाता है और कालू कौवे का घर, उसके दो बच्चे और उसका पूरा पेड़ सब टूट फूट कर नष्ट हो जाता है। कालू कौवे का चुराया हुआ सारा का सारा भोजन और उसके बेचारे दो बच्चे सभी के सभी उस बड़े और विशाल पत्थर के नीचे दबकर मर जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है और मीनू चिड़िया, कबूतर और तोता तीनों मिलकर उल्लू को ढूंढ रहे होते हैं कि वे उससे जाकर पूछें कि आखिर उनका जमा किया हुआ इतना सारा भोजन आखिर किसने चुराया है। तभी रास्ते में उन तीनों को कालू कौवा नजर आता है, जो कि अपने टूटे फूटे घर के साथ बैठा हुआ होता है और फूट फूट कर रो रहा होता है। अरे कौवे, ये तुम्हारे साथ क्या हो गया? अरे मत पूछो मीनू चिड़िया, कल रात एक बड़ा और विशाल पत्थर मेरे घर पर आकर गिरा और मेरे दोनों बच्चे और मेरा सारा का सारा भोजन सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, यहाँ तक के मेरा घर भी नहीं बचा। अब बताओ मैं क्या करूँ, ना जाने मुझे मेरे किस कर्म की सजा मिल रही है। अरे हाँ कालू कौवे, तुम्हारे साथ तो ये बहुत ज्यादा बुरा हुआ, हमारा भी हाल तुम्हारे जैसा ही है, हमारा बहुत सारा जमा किया हुआ भोजन किसी दुष्ट ने चुरा लिया है, देखना उसके साथ भी बहुत ज्यादा बुरा होगा। कालू कौवा मीनू चिड़िया की ये बात सुनकर थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है और वह खुद ही से मीनू चिड़िया को सच बताने लगता है। अरे मीनू चिड़िया, जिसने तुम्हारा भोजन चुराया था उसके साथ बुरा हो चुका है, असल में मैंने ही तुम्हारा सारा भोजन चुराया था और देखो मेरे साथ कितना ज्यादा बुरा हुआ है, ना मेरा घर रहा, ना बच्चे और ना ही वे भोजन, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया सिर्फ मेरे बुरे कर्मों की वजह से। अरे क्या कालू कौवे, तुमने हमारा भोजन चुराया था, अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे बिरजू छोड़ दो इसे, हम इसके साथ अब कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि इसको इसके कर्मों की सजा मिल चुकी है, अब इससे ज्यादा बुरा इसके साथ क्या होगा कि ना इसके पास घर है और ना ही इसके बच्चे। कौवे इसीलिए कहते हैं कि हमेशा हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि उसका फल भी हमें अच्छा ही मिले, ना कि बुरे कर्म, वरना हमारा हाल तुम्हारे जैसा हो जाएगा। मीनू चिड़िया की ये बात
सिर्फ कालू कौवे को ही नहीं बल्कि हम सभी को समझनी चाहिए कि हमारे बुरे कर्म ही जिंदगी में हमें बहुत ज्यादा नुकसान देते हैं, इसलिए हमें सिर्फ अच्छे कर्म ही करने चाहिए। दोस्तों, अगर आप हमारी वर्ड्स फैमिली के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।